हाथरस नगर पालिका की बोर्ड बैठक में जमकर हुआ हंगामा। बोर्ड बैठक में सुरक्षा गार्डों ने सभासदों से किया दुर्व्यवहार। सभासदों ने बोर्ड बैठक का किया बहिष्कार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस की नगर पालिका में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जिस समय नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित की जा रही थी। उसी दौरान हाथरस के समस्त वार्डो के सभासद बैठक में उपस्थित थे। सभी सभासद अपने अपने वार्डो की समस्याओं को लेकर बात रख रहे थे, तभी पालिका अध्यक्ष के सुरक्षा कर्मियों ने सभासदों से अभद्रता की, जिसके बाद नाराज सभासदों ने अचानक से बोर्ड की बैठक में हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि बैठक हॉल से नगरपालिका प्रांगण तक नारों की गूंज उठने लगी। सभासदों ने बैठक का बहिष्कार कर जमकर नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने गुस्से को जाहिर कर सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर अड़ गए। जैसे ही हंगामे की सूचना एसडीएम सदर को मिली, वह नगरपालिका में मौके पर पहुंचकर सभासदों को समझाने में लग गई। इसी बीच पूरे मामले को लेकर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी का कहना है कि नगर पालिका सदन में आयोजित बोर्ड बैठक के दौरान कुछ सभासदों द्वारा हंगामा खड़ा करने की सोची समझी साजिश रची गई है। एक्चुअली कुछ अराजक तत्व कह लीजिए या कुछ माननीय हमारे सभासदगण कह लीजिए, उन लोगों का पहले से कुछ प्री प्लांट था, तो प्री प्लांट के तहत हम इतनी एक महत्वपूर्ण सदन में बैठक रखते हैं जिसका काम ही होता है, उस बैठक का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि विभिन्न प्रस्ताव जो जनता के द्वारा हैं, जो जनता की भलाई के लिए कार्य हैं, उन पर चर्चा होती है, वो पास होते हैं और वो विभिन्न प्रकार के प्रोसेस से गुजरने के बाद उन पर इम्प्लीमेंट होता है। तो आज जो हंगामा हुआ वो पहले से ही उन लोगों ने तय कर रखा था कि इस बार हमको यही करना है और इसको कैसे भी कैंसिल करना है, तो उसमें नुकसान तो होता ही है। मैं तो यही कहना चाहूँगी ऑल द थिंग्स आर प्री प्लान्ड। कुछ सभासद है वो बहुत ज्यादा हंगामा, ये तो मेरे भी आंखों देखी बात है, तो मनीष भी वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल टॉप कर रहे थे, बहुत ज्यादा मतलब मिसबिहेव उनका था पहले से, ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे लिए सबके साथ इक्वल व्यवहार है उनका पहले से ही, मतलब बिल्कुल मेरी एंट्री करते ही उन्होंने ये चीज पहले से तय कर रखी थी कि बहुत तेज वॉइस में बात करनी है, जबकि उनसे बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहा गया कि प्लीज भैया आप बैठ जाइए, हम सबकी बात सुनेंगे और इक्वलिटी के साथ सुनेंगे, जो भी सभासद मंच पर आए जो डाइस पर आए उन सबकी बात सुनी गई, लेकिन शायद मेरे से पहले से हंगामा हो तो मेरे जाते ही और हंगामा शुरू हो गया, तो ये गलत है, तो ये मिसबिहेव और उसमें आता है, सदन की कार्रवाई को उन्होंने होने नहीं दिया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने तो मेरे से और ठाकुर साहब से भी मतलब बदतमीजी करी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना गोयल है। मैं चाहती हूँ मैम सदन में बैठी है तो वहाँ बाउंसर की क्या जरूरत है जी? मैम आए आराम से अपना बैठे और जो हमारी मेंबर शिकायत करे उनकी कंप्लेंट सुने। सिक्योरिटी तो मैडम के साथ में वैसे ही रहती है, उनमें वहाँ बाउंसरों का क्या काम है वहाँ? तो इसी का विरोध कर रहे तो ये क्या चेयरमैन साहब बदतमीजी करा रहे हैं अपनी तरफ से? वो अपने आप कर रहा है तो उनका सुरक्षा गार्ड है, तो उन्हीं का सुरक्षा गार्ड है ना वो, तो जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी वो कैसे बाहर निकाल देगा किसी को? ये भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं इस बात को। मनोज गौतम जी तो कहा रुक जाइए, पहले हमें अपनी बात कहनी है, हम 6 महीने बोर्ड को बने हुए, हम शहर की समस्या के लेके हमने पहले हमको अवगत कराएंगे, उसके बाद में बोर्ड की मीटिंग होगी। फिर हमने कहा ये नल खराब है, ये खराब है, तो बाउंसर आया एकदम मुझे बोले पल्ला ढक्का मार के मुझे, मैं ढक्का तू भाई, ढक्का तू कौन है भाई, भाई बोर्ड में भाई तेरा क्या राइट है तू अंदर आने का, मुझे एकदम मुंह पकड़ के उन्होंने ढक्का मारने लगा। उनका बाउंसर था वो श्वेता चौधरी जी संग रहता है, वो श्वेता चौधरी साथ गार्ड है, वो गार्ड है वो उनके साथ। फिर क्या हुआ? उसने भी तब ये सभासद लोगों ने देखा मेरे संग बदतमीजी करी, तभी सभासद लोग मेरे पीछे भागे, तो वो बांधो इन्होंने भाई, उन्होंने भाग गया वहाँ से, तो यहाँ कहीं तो यहाँ से निकाल दिया उसको, कहाँ निकल गया ये नहीं मालूम, मैं वो कह रहा था मैं आ गया तो ये देख लूंगा, यूँ कर लूंगा, बदतमीजी करने लगा, धमकी दे गया तो देख लूंगा। तो अब आप बोर्ड बैठक में शामिल होंगे नहीं होंगे? है जी बोर्ड बैठक में शामिल नहीं होंगे, हम कोई हमारे सब सभा 35 सभासद हम सब साथ हैं, हम कोई अलग नहीं है, बहिष्कार कर दिया क्या? हम मीटिंग का बहिष्कार कर दिया हमने क्या भैया? हमने कप्तान साहब को अवगत करा दिया, बता रहे हैं उनके PRO ने फोन उठाया, कप्तान साहब DIG आए हुए हैं, मीटिंग चल रही है, DI साहब आए हुए हैं, तो उसके बाद में अवगत करा दिया जाएगा उनको, हमने मेरा नाम नोट कर लिया, उन्होंने बांसर का भी नाम नोट, नाम पूछ रहे थे, नाम मुझे मालूम नहीं, वो श्वेता चौधरी से रहता है। क्या नाम बताया था भैया आपने? मनीष अग्रवाल।
कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 35 दिल्ली वाला चौक चामुंडा गेट सब एरिया मेरे में लगते हैं। मेरे एक मात्र चामुंडा मंदिर है सबसे बड़ा। लोग हैं सर। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2, नियर मंडी चौराहा, मथुरा।